नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए लेके चलता हूँ ग्रेन कैनरिया। ग्रेन कैनरिया स्पेन की कैनरी आइलैंड्स में से एक है जो अफ्रीका से बहुत दूर है। यह अपने काले लावा और सफ़ेद रेत के बीचेस के लिए जाना जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ग्रैंड कैनरिया की यात्रा का सबसे अच्छा समय जुलाई और सितंबर के बीच का रहता है। हालांकि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से यहां पूरे साल धूप ज़्यादा रहती है और सर्दियों के महीने में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है। अमादोरेस एक मैन मेड बीच है जो कि 2002 में बनाया गया था, जो धूप में आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। समुद्र तटों को दो डैम के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए इसका पानी हमेशा शांत रहता है और हमेशा सफ़ेद रेत भरी रहती है, जो कि सनबाथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप यहाँ के शांत पानी में घंटों तक तैर सकते हैं, क्योंकि समुद्र तट पर ना तो कोई बॉल स्पोर्ट्स ना कोई वाटर स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। टेनेरिफ में टाइड ज्वालामुखी के पीछे डूबते हुए सूरज को देखना आपके दिन को और भी अच्छा बना सकता है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।